नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बड़वानी जिले के स्कूलों में छुट्टियों के बीच मध्याह्न भोजन योजना में खाना बांटने के मामले में जिला पंचायत सीईओ जावला ने मीडिया से की चर्चा। बड़वानी गर्मियों की छुट्टियों में मध्याह्न भोजन बांटने का मामला इन दिनों काफी चर्चा में चल रहा है। जिला पंचायत सीईओ काजल जावला ने सोमवार जानकारी देते हुए बताया कि एसएमएस भेजने के फॉर्मेट में गलत एंट्री डालने से यह गड़बड़ हुई है। फॉर्मेट में 5 लिखकर भेजना था, शून्य स्टूडेंट संख्या और 5 अवकाश को दर्शाता है। 30 स्कूलों के शिक्षकों ने शून्य को हटाकर सीधे 5 लिख दिया, तो वहीं 4 स्कूल के शिक्षकों ने अन्य संख्या लिखकर भेज दी थी। इसी के चलते पोर्टल पर छात्रों की संख्या नजर आ रही थी। संबंधित स्कूल के प्राचार्य, जन शिक्षक और एसएमएस पोर्टल से मोबाइल नंबर जुड़े शिक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। वहीं जिले में अवकाश के समय ना तो मध्याह्न भोजन बांटा गया और ना ही कोई राशि जारी की गई। बड़वानी से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। मैडम, जो एमडीएम वाला मामला चल रहा है उसमें किस तरीके की जाँच की गई है और क्या तथ्य सामने आया? देखिए, एमडीएम वितरण के उसमें हमारे पास एक लेटर आया था डायरेक्टरेट से कि कुछ शालाओं में छुट्टी के समय पे भी मध्याह्न भोजन वितरण का एसएमएस कर दिया गया है। तो हमने ये पाया कि हमारे 67 शालाएं ऐसी हैं जिन्होंने जो मैसेज किया था, छुट्टी के मैसेज के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है MDM space 0 space 5, जिसमें 0 का मतलब उपस्थिति है और 5 का मतलब है कि स्कूल में अवकाश होने के कारण भोजन नहीं गया है। तो उन्होंने ठीक फॉर्मेट में मैसेज किया था, लेकिन हमारे 34 ऐसे शाला थे जिन्होंने गलत फॉर्मेट में मैसेज कर दिया था। उन्होंने MDM 30 ऐसी शालाएं थी जिन्होंने MDM 05 के जगह MDM 5 कर दिया, तो जिससे 5 उपस्थिति दर्ज हो गई, किंतु वहाँ पर किसी भी प्रकार का भोजन वितरण नहीं हुआ है। 4 शालाएं ऐसी हैं जिन्होंने कुछ और संख्या दर्ज करके जैसे MDM 0, 24, 28 इस प्रकार से डाल दिया, जिसकी वजह से उसमें उपस्थिति 28 इस टाइप से चले गई है। तो ये टोटली जो हुआ है ये गलत फॉर्मेट में एसएमएस करने की वजह से हुआ है। हमने बीआरसी के माध्यम से भी ये चेक करा लिया है कि कहीं पर भी कोई भी भोजन का वितरण नहीं हुआ है। साथ ही रसोइये का मानदेय, कुकिंग कॉस्ट या खाद्यान्न का वितरण मई के लिए जिला स्तर से नहीं किया गया है, तो भोजन वितरण नहीं हुआ है। मात्र ये एक मैनुअल एरर या फिर आप कहिए कि एसएमएस भेजने के फॉर्मेट में एरर की वजह से ये हुआ है। और हमने सभी 34 शालाओं के प्राचार्य, संबंधित जन शिक्षक और संबंधित टीचर जिनके नंबर एसएमएस करने के लिए अधिकृत हैं, उन सभी को SCN जारी किए हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।